और ये सरकार खुट ठेकेदार बन गई उधा जी जब अगर सरकार की बात करें तो संगठन की भी बात होती है देखा जाए तो अनुशासन उनके संगठन में बीजेपी के संगठन में ज़्यादा है यहाँ नेता आते हैं जाते हैं छोड़ देते हैं दस साल पहले आते हैं फिर आ जाते हैं जो अभी रहे पार्टी में वो चुनाव के वक्त छोड़ के चले जाते हैं नहीं नहीं आप फिर रिकॉर्ड देखो इसके बाद जो है अभी पिछले तीन चार साल में बीजेपी से और दूसरी पार्टियों के 32 या 33 पूर्व विधायक या सांसद कांग्रेस में आए कांग्रेस से तो कोई एक आधा गया होगा ये कांग्रेस में आए हैं अनुशासन में तो क्या क्यों आते भाई लोगों के जाने से फ़र्क पड़ता है।, है जी लोगों के जाने से फर्क पड़ता है हुड्डा जी नहीं एक माहौल तो बनता है ना एक लोग क्यों आते हैं लोग कांग्रेस में क्यों आते हैं उनको एक उम्मीद रखती है भाई आपके कांग्रेस आएगी कांग्रेस में साथ देंगे क्योंकि क्योंकि दस साल उन्हें हमारे तोल के देखे हैं दस साल इनके देख लिए देख लिया उन्होंने इस दस साल में कुछ नहीं हुआ कोई भी मान लो किसान है आज किसान के परेशान इन्होंने कहा दो हज़ार बाईस तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन लागत बहुत बढ़ गई आपके सामने है डीजल का क्या भाव था दो हज़ार चौदह में आज क्या भाव है खाद का क्या भाव था आज क्या भाव है कीटनाशक दवाई का क्या भाव था आज क्या भाव है क्योंकि हरियाणा में इस पर खाद पे और इस पर कोई टैक्स जीएसटी एस कुछ नहीं था कीटनाशक दवाई पे और डीजल पे वेट जो है नौ परसेंट के करीब था अब इन्होंने वेट भी सत्रह अठारह परसेंट कर दिया दस साल आपकी सरकार रही दस साल दस साल के करीब सिंप, सिंपल मेजोरिटी थी आपकी पाँच साल फिर बीजेपी की रही सिंपल मेजॉरिटी में फिर उसके बाद समर्थन के साथ हुई ये जो जे जे उभरी है थर्ड फोर्स आपको लगता है ये जो थर्ड फोर्स है ये विधानसभा चुनावों में रहेगी ये तो लोकसभा में नहीं रही तो विधानसभा में कहाँ रहेगी एक परसेंट वोट भी नहीं मिली इसका मतलब ये है कि हरियाणा में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो और विधानसभा में खासतौर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है वोट काटुओं को वोट देने वाले नहीं हैं लोग मुख्यमंत्री क्यों बदला एंटी इनकम्बेंसी होगी इस वास्ते बदल दिया ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे लोगों ने फैसला करा इनको ही बदलना है अच्छा अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिलता है थर्ड टेन्योर तो तीन चीज़ें क्या करेंगे आप देखिए पहले तो मैं करूँगा कि कानून व्यवस्था ठीक करूँगा और नशा मतलब बदमाश को बदमाशों को नशे को नहीं रहने देंगे हम तो नशे से बड़ा भारी युवा शक्ति का नुकसान हो रहा है तीसरा जो बेरोजगारी है जो दो लाख जो पक्की नौकरी खाली पड़ी है ना पर उनको लगाएंगे नौकरी लगाएंगे पक्की नौकरी देंगे और एक माहौल प्रदेश में बदलेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके अब हमने आईएमटी एम टी बनाए इन्होंने आगे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई आए। भाई आएगी इन्वेस्टमेंट आएगी जब तो रोजगार के जो साथ वो उपलब्ध कराएंगे हम उनका एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी दिल्ली में सेंट्रल हॉल में उस पर सोनिया गांधी ने एक चीज़ बोली थी कि ये जो असेंबली के चुनाव हैं महाराष्ट्र में हरियाणा में मोमेंटम बना रहना चाहिए मतलब जो लोकसभा की जीत है वो फुस ना हो जाए यहाँ आके मोमेंटम बना रहना चाहिए तो क्या हरियाणा वो मोमेंटम बना के रखेगा मोमेंटम बनाए ना, ना। हरियाणा मांगे हिसाब उसी का पार्ट है और अब जल्दी मैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरे प्रदेश के दौरे पर जाएंगे हर असम्बली क्वेश्चन में और उससे पहले हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया घर घर हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया बहुत सारे कांग्रेस चले हैं मोमेंटम रखने के लिए तो प्रोग्राम बनाए जाते हैं क्या मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर फेस से बात कर रहा हूँ देखिए ये तो हरियाणा आपको पता है कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में विधायक और हाईकमांड फैसला करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा हाँ अगर विधायक और कांग्रेस हाईकमांड मेरे को कहेंगे करेंगे तो करेंगे नहीं तो जिसको करेंगे कर देंगे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बहुत बहुत